एक DHO वालों 200 रुपया रिश्वत मंगण ते एक आडियो हो गई सी वायरल, जिस ते उस डॉक्टर नू 6 महीने तो वध जाना पिया सी जेल। लेकिन हुण बठिंडा दे सिविल हस्पताल दे एक बड़ा मामला भग चुका है। एक 55 लाख का मामला है, जो 55 लाख की हेराफेरी का मामला, जो बठिंडा दे सिविल हस्पताल विखे एक क्लास 4 वालों 2.5-2.5 लाख रुपया बठिंडा दे सिविल हस्पताल विखे बंदियां नूं नौकरी दवाउण दे नां ते 2.5-2.5 लाख रुपया 22 बंदे नूं लिया, 55 लाख रुपया पूरा लिया गया। लेकिन बठिंडा दे सिविल सर्जन, यह खबरां भी लग चुकियां ने, वीडियो भी वायरल हो चुकी है, लेकिन बठिंडा दे सिविल सर्जन इस तों अणजाण दस रहे ने। बठिंडा दे सिविल सर्जन कह रहे हैं कि मेरे कोल इस मामले का कोई आया नहीं, ना लिखती ना बर्बली किसी भी तरह का कोई मामला नहीं आया। पर तुम दस दिए कि पिछले समय के एक डॉक्टर एक DHO वालों किसी दुकानदार तो 200 रुपया रिश्वत मंगण का एक आडियो वायरल हो चुकी है, जिस मामले के आडियो वायरल होने ही उस डॉक्टर नूं जेल जाना पिया सी। लेकिन हुण बठिंडा का ये सिविल सर्जन शायद इस तों अणजाण अपने आप नूं पता नहीं क्यों अणजाण दस रहे ने। दस दिए कि बठिंडा दे एक क्लास 4 व्यक्ति वालों 55 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जो उसने कहा कि वह बठिंडा दे एक सेहत कर्मचारी, बठिंडा दे एक सीनियर कर्मचारी नूं उसने ये पैसे दिते है। लेकिन मामला शायद कितने ना कितने इसनों छुपाने की कोशिश की जा रही है। बठिंडा दे सिविल हस्पताल दे महकमे वालों, सिविल महकमे वालों, हस्पताल दे महकमे वालों इसनों छुपाने की कोशिश की जा रही है। 55 लाख का मामला घट्टो घट्ट यह दस दिए कि उन्होंने व्यक्तियों को सिर्फ एक लिखती पढ़ती ना होने के कारण वो व्यक्ति चुप बैठे हैं। पर उन्होंने कल बठिंडा दे सिविल हस्पताल के जो पुलिस चौकी बनी है उस दे विच मामला लेके आंदा ते उत्थे उस व्यक्ति नूं बुलाया गया। लेकिन इस महकमे वालों इसनों छुपाने की कोशिश की जा रही, लगातार उसनों बिना सिविल सर्जन दस रहा कि उसके मामले पर अनदेखा किया जा रहा। तो मामला तो अजी वरिंदर सिंह इतने अस्पताल ही लगे सरकारी मुलाजम है, तो वह कहना भी छोटे बच्चों मैं नौकरी दिलवा दूंगा। 2.5-2.5 लाख रुपया एक बच्चे का उतो लिया, 11 बच्चे आई साढ़े पिंड सेवपुरे के, तो 11 के 11 के 2.5-2.5 लाख रुपया लिया जी उन्हें। तो यह कहना भी मैं सुपरिटेंडेंट को पैसे दिते है, अज असी इतने आए थे जी अस्पताल, तो उस बाद सुपरिटेंडेंट को मिलया जो, तो सुपरिटेंडेंट कहना भी मैंने तो कुछ नहीं दिता इन्हें। फिर की हुआ, यह कहना मैं चौंकी से रबट लिखा जाना जी सुपरिटेंडेंट से, ये दोवें चौंकी आ गए जी, तो इतने बस बिठा लिया ये दोवें। नहीं जी सुपरिटेंडेंट तो भेजता इन्होंने, वो बिठा लिया जी वरिंदर सिंह जी। सारी ठगी तो 12-11 बंदे का साढ़े है जी, 2.5-2.5 लाख रुपये ना, 22 बंदे है सारे टोटल जी, 40 लाख रुपया, 55 लाख रुपया जी। मामला की सर देखो सारे तो अज ना तो कोई इस तरह की कंप्लेंट आई है, ना लिखती आई है, ना कोई मूँह जबानी सू कंप्लेंट दे गई है, सो इस बारे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। जो सू कंप्लेन मैंने आईडिया नहीं इस बारे नहीं, देखो जी साढ़े को ना लिखती ना वर्बल कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आई, सो इसते कमेंट करना कर ही नहीं सकता मैं किसी हिसाब न। जे तुसी चाहते हो कि हर तरह की खबर तक पहुंचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी ऑल ते करो।